हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ये संघर्ष इतनी देर से चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। हेलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों जो अभी एनएससी ग्रुप उसने एक बहुत बड़ा पोस्ट जारी किया है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। ठीक दोस्तों यदि आपको यहां पर जो एनएससी की तरफ से जो घोषणा हुई है, एनएससी की तरफ से जो काम होने वाला है उसको यदि जानना है तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। ठीक दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव हुए हैं और 23 नवंबर को वहां पर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने वहां पर जो ईपीएस 95 पेंशन है उनकी कोई भी डिमांडों को यहां पर सीरियस नहीं लिया है। तो इसको देखते हुए जो हमारे अशोक रावत जी हैं उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने सभी जो पीएफ मेंबर, जो सभी पेंशनर हैं उन सभी को वहां पर आमंत्रित किया है और उन्होंने क्या क्या फैसला लिया है, जो उन्होंने पोस्ट अपलोड किया है उसको पढ़कर पूरा बताएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता है यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि हम आपको इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। ठीक दोस्तों अशोक रावत जी ने जो पोस्ट अभी अपलोड किया है और एनएससी ग्रुप ने जो अभी पोस्ट अपलोड किया है उसको हम आपको यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर जाकर बता देते हैं। ठीक दोस्तों 16/11/2024 को जो एनएससी मुख्यालय बुलढाणा महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने संदेश दिया, अति महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने जारी किया है। उसमें लिखा है सभी सम्माननीय एनएससी पदाधिकारी गण व ईपीएस 95 सदस्य गण कृपया ध्यान दीजिए, एनएससी के राष्ट्रीय कमांडर अशोक रावत जी द्वारा एनएससी के अगले राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा। ठीक दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बचाओ अभियान अंतर्गत न्याय हेतु संघर्ष कार्यक्रम के क्रम में एनएससी का अगला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम। ठीक दोस्तों और जिन्होंने क्या क्या कार्यक्रम रखे गए वो सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक दोस्तों दिनांक 11 नवंबर 2024 और 12 नवंबर 2024 को जो जूम मीटिंग में किए गए विचार विमर्श के अनुसार एनएससी के राष्ट्रीय कमांडर अशोक रावत जी द्वारा आंदोलन कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। ठीक दोस्तों उसमें यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन तो हो चुके हैं दोस्तों और बहुत सारे होने वाले हैं। ठीक दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है दिनांक दोस्तों 21 नवंबर मतलब आज के दिन जो एनएससी दिल्ली वेस्ट बंगाल तेलंगाना गुजरात टीम द्वारा आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए सभी मेंबर सीबीटी मेंबरों को ईपीएस 95 पेंशन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। दोस्तों 21 नवंबर के आज के दिन दोस्तों जो उन्होंने पहले प्लानिंग की है कि आज के दिन जो ईपीएस 95 पेंशनर हैं उनको भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको हम एक ज्ञापन देंगे कि हमारी क्या डिमांड है सर, हमारे जो हमारे पेंशनर हैं उनकी कितनी पेंशन यहाँ पर बढ़ाई जाए और मिनिमम पेंशन हमारी बढ़नी चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने बोला है। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर सीबीटी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं मेंबरों के सामने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया जाएगा। आगामी सत्र को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1/12/2024 को सभी माननीय मंत्रीगण और सांसदगण के स्थानीय कार्यालयों पर एनएससी जिला टीमों द्वारा 3 घंटे का बैठक मूल सत्यापन करने हेतु ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। अब दोस्तों आपको बता दूं अभी इस दोस्तों नया पार्लियामेंट जारी हुआ है उसमें दोस्तों बहुत सारे डेट दिए हैं, जैसे 25 नवंबर है, 2 दिसंबर है, 9 दिसंबर है, उसके अंदर जो ईपीएस 95 पेंशन है उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। उन्होंने दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए बोला है कि हम जो हमारे सांसदगण हैं मंत्रीगण हैं उनके सामने हमारा जो ज्ञापन है, हमारे पेंशनों की जो डिमांड है उनको जाकर रखेंगे ताकि वो पार्लियामेंट में उनके बारे में बोल सके। ठीक दोस्तों फिर तीसरा उन्होंने लिया है दिनांक 9/12/2024 को दिल्ली में एनएससी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक मीटिंग का आयोजन होगा। उसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर को यहाँ पर एनएससी की बैठक होगी, इसका मतलब ये है। उसका दोस्तों दिनांक 10 दिसंबर और 11 दिसंबर तक दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन और संसद पर मार्च के साथ ही आमरण अनशन। दोस्तों ये मैं आपको कल ही बता देता हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ कि 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर सुबह 10 बजे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, पर जब तक अनशन किया जाएगा जब तक हमारी जो डिमांड है उनको सरकार पूरी ना कर दे। इसके साथ दोस्तों उन्होंने लिखा है आप सभी प्रतिभाशाली भाई बहनों से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में अपना सहयोग व सहभाग करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाकर वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनों की 4 सूत्रीय मांगों को जो भी आप सभी के पुण्य पुरुषार्थ से अंतिम चरण में है
उन्हें मंजूरी कराई जाए। ठीक दोस्तों, सभी को सत नमन। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट जारी करके सभी को बोला है कि आप सभी वहाँ पर आएँ, उस आंदोलन में भाग लें और सहयोग करें, ताकि जो हमारे पेंशनर हैं उनकी जो 4 सूत्री मांग है उनका जो अंतिम चरण चल रहा है उस पर यहाँ पर मंजूरी मिले। तो दोस्तों यदि आपको मेरे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत